दोस्तों, इस वीडियो में कवर करेंगे आर्मिनल के शेयर को। जैसा कि दोस्तों आप देखोगे, आज के शेयरों में बड़ा फ्रेश देखने को मिला। ऑलमोस्ट यहाँ पे सभी शेयर गिरावट में थे, इसी के साथ आपके आर्मिनल में भी हमें फ्रेशर दिखा। ऑलमोस्ट आज के जो लेट है लो था स्टॉक का, वो 605 रुपए के आसपास देखने को मिला। देखो कल की कंपनी को बड़े ऑर्डर मिले थे, ऑलमोस्ट 160 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिला था। उससे पहले 132 करोड़ का ऑर्डर मिला था। उससे पहले भी कंपनी को ऑलराउंड पिछले 5 दिन में 4-5 बड़े ऑर्डर मिल चुके हैं। बट जो ऑर्डर का यहाँ पे रिएक्शन है ना दोस्तों, वो अब थोड़ा सा कम हो चुका है, क्योंकि भाई इसको एक अच्छी देरी दिखा चुका है, यहाँ पे बढ़िया भाग चुका है। एंड अभी के टाइम में एक बड़ा अपडेट देखने को मिल रहा है, जो स्टॉक में बड़ी खरीदारी हो सकती है। एमएससीई का जो मतलब जो रिव्यू है वो अगस्त का रिव्यू होना है, उसमें आपके आर्मिनल भी शामिल हो सकता है। नोवामा की बड़ी रिपोर्ट आई है, जिसमें दोस्तों इंडिया से कई सारे स्टॉक को जगह मिलेगी, जिसमें आपका आर्मिनल भी होगा। डाटा हम देखेंगे क्या नोवामा की रिपोर्ट आई है। एंड यहाँ पे पहले ये भी समझ लेते हैं कि जिन लोगों ने हायर लेवल पे खरीदा है, ऑलमोस्ट अगर यहाँ से देखे टाइम दोस्तों 4-5% मूवमेंट स्टॉक में तेजी आती है, तो स्टॉक एक नया हाई क्रिएट कर सकता है, क्योंकि 647 रुपए के बाउंड भी है एंड अपने हाई के बिल्कुल अभी के टाइम करीब क्रिएट कर रहा है। तो इस लेवल से क्या तेजी बनेगी, क्या गिरावट आएगी, क्योंकि ज्यादातर लोग अभी के टाइम प्रॉफिट में, बाकी जैसे मतलब जो लोग यहाँ पे मान के चलो ज्यादा हाई लेवल के बाउंड भी खाए खरीद रहे थे, वो लोग उसमें, बाकी सब लोग प्रॉफिट में नजर आ रहे हैं। तो करना क्या है, सारी इस बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। देखिए दोस्तों, मार्केट में पॉजिटिव न्यूज बनी हुई है। देखो इस वॉल्यूम में अगर सबसे मेन फैक्टर तो वो वॉल्यूम है, और अराउंड 3 करोड़ के आसपास शेयर आज हमें ट्रेड होते हुए देखने को मिले, जो आपके ट्रांजेक्शन है, जो पहले 7-7 हजार करोड़ के ट्रांजेक्शन आ रहे जब ये भाग रहा था, वो अभी के टाइम घटकर ऑलमोस्ट यहाँ पे आपके 18-18.5 करोड़ के आसपास आ चुके हैं। डिलीवरी स्टॉक की 26-25% के आसपास की नजर आ रही है। एंड जो डिलीवरी क्वांटिटी है अराउंड यहाँ पे 66 लाख शेयर आज हमें डिलीवर होते हुए नजर आई, 2 करोड़ 60 लाख में से, जो कि बिल्कुल अच्छी क्वांटिटी है। एंड यहाँ पे एमओबी के टाइम 2 लाख के आसपास हमें पॉजिटिव दिख रहा है। 88 का करंटली स्टॉक का पी चल रहा है। देखो पी के अकॉर्डिंग तो मैं प्रॉफिट बुकिंग का सजेशन दूंगा, बट देखो अगर आपने मान के चलो स्टॉक के अंदर 1000 शेयर खरीद रखे हैं, चाहे मान के चलो आपने 1 लाख रुपए का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था, 1 लाख की अगर आपने 60% प्रॉफिट कमाया, तो मेरे को लगता है कि आपको दोस्तों अपना 50% अमाउंट यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। पूरा नहीं करो फिर भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लो यहाँ पे, क्योंकि अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहा है। पी थोड़ा ओवरबोर्ड है, रिजल्ट में थोड़ी सी ऊंच नीच हुई या यहाँ पे बजट में थोड़ा सा ऊंच नीच हुआ, तो फिर थोड़ा गिर सकता है स्टॉक। यहाँ पे ऑलमोस्ट मानिए चलो कि जितना 65% भागा है, ऑलमोस्ट यहाँ पे स्टॉक हमें 25-30% का करेक्शन दिखा सकता है। तो देखो अगर पैसा तो लगा रहेगा, अगर आप यहाँ पे 40% प्रॉफिट बुक कर दो तो 60% अमाउंट तो लगा हुआ है, तो उसमें प्रॉफिट हो जाएगा, बट रिस्क तो थोड़ा कम हो जाएगा। 40% अभी अमाउंट निकाल रहे हो, बजट के बाद अगर गिरता है मौका मिलता तो अगेन आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ये स्ट्रेटजी बेटर रहेगी। अब डाटा देख लेंगे दोस्तों आज के इंटरनेट चार्ट का, तो चार्ट में आपने देखा कि देखो पहले फॉलिंग में गिरावट हुई, उसके बाद बाइंग देखने को मिली, फिर थोड़ा सा सस्टेंस किया, फिर टोटली करेक्शन, फिर जो यहाँ पे गिरावट हुई, इसमें जितने शेयर बेचे गए सारे शेयर यहाँ पे एकदम से खरीद लिए गए। अब बात करते हैं दोस्तों नोवामा की रिपोर्ट की, रिपोर्ट क्या बोल रही है। देखिए डाटा भी मैं बता दूँ दोस्तों, देखिए एमएससीआई एडजस्टमेंट जो एडजस्टमेंट है वो यहाँ पे रिव्यू होना है। ये रिव्यू हमें दोस्तों 13 अगस्त को फैसला आएगा, उसमें देखने को मिलेगा। एंड 13 अगस्त को यहाँ पे पता चलेगा कि ये कौन कौन से स्टॉक शामिल होंगे। बट अब यहाँ पे मेन फैक्ट ये कि यहाँ पे आपकी जो 30 अगस्त है ना, इसको ये पूरा इन्फ्लो देखने को मिलेगा, मतलब जो भी स्टॉक यहाँ पे सिलेक्ट किए जाएंगे वो सारे 30 अगस्त को आपको क्या देखेंगे, इंडेक्स के अंदर इंक्लूड होते हुए देखने को मिलेंगे। अब पूरा अपडेट हम देखते हैं कि इंडेक्स में कौन कौन से स्टॉक को शामिल किया जाएगा। एमएससीआई ग्लोबल जो इंडेक्स है उसमें उसकी समीक्षा होने वाली है। एंड रेल विकास निगम लिमिटेड, वोडाफोन आइडिया, ऑल इंडिया, यहाँ पे जो आपको ऑल इंडिया सही दोस्तों नई स्टॉक को यहाँ पे जगह मिलेगी। इन कई सारे स्टॉक ऐसे हैं जिनको इनफ्लो भी बढ़ाया जाएगा। रिपोर्ट में दोस्तों कहा गया है कि यहाँ पे एचडीएफसी बैंक से 3 ऐसे स्टॉक रहेंगे जिसका वेटेज बढ़ेगा। वही इरेडा ऐसे जो यहाँ पे आपका एसीसी समेत 7 स्टॉक रडार पर है, जो कि बाजार भाव के आधार पर कट ऑफ से ज्यादा दूर नहीं है, यानी तय समीक्षा तय समय सीमा में स्टॉक कट ऑफ प्राइस लेवल हासिल कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इंडेक्स में जगह पाने या फिर वेटेज बढ़ाने के लिए मतलब खरीदारी देखने को मिलेगी। इंडिया के मार्केट में अक्सर देखें तो 14.7 करोड़ डॉलर का इन्वेस्टमेंट दिखेगा। एंड अगर इंडियन डॉलर में बता दूं मैं तो अराउंड देखिए मतलब 14.7 करोड़ डॉलर से लेकर अराउंड 29.9 करोड़ डॉलर तक का इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिलेगा। एंड इसमें आपके जो आपका यहाँ पे जो आर्मिनल है
इसका इन्वेस्टमेंट भी इसमें इंक्लूड हो गया, तो इसमें भी इन्वेस्टमेंट हमें आता हुआ देखने को मिलेगा। तो $1 मिलियन ऑलमोस्ट मान के चलो 40-45 मिलियन डॉलर के आसपास का इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव डेट है जो कि आपको नेक्स्ट मंथ के अंदर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ये बड़ा इवेंट हमारे लिए रहेगा। अगर MSCI में शामिल होता तो मेन पॉइंट ये कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा बड़ा नहीं है, बट लोगों का विश्वास बढ़ता है। जब कोई बड़ी फर्म खरीदारी करती है बड़े लेवल पे, तो फिर यहाँ पे अपना व्यू सही रहता है कि भाई चलो वो भी प्रॉफिट के लिए आई है तो हमें यहाँ पे रुक सकते हैं। रेलवे एंड टोटल जो पावर सेगमेंट की शेयर था सब प्रॉफिट बुकिंग में देखने को मिले हैं। आरएनएल में करेक्शन है, वही दोस्तों INFC 2% के आसपास गिरा है। इरकॉन में भी हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। तो अब आगे यहाँ पे करना क्या चाहिए, क्योंकि प्रेशर भाई सीधा सीधा देख रहा है, क्योंकि देखो आपका आरएनएल सबसे ज्यादा भागा है, बट आरएनएल अभी के टाइम सबसे कम गिर रहा है, क्योंकि देखिए इसमें स्ट्रेंथ है, खरीदारी आ रही है। अगर यहाँ से 3-4% का बाउंस बनता है तो एकदम से फिर से नया हाई बनवा सकता है। बट ये कि हमें रिस्क नहीं लेना, हमें देखो ऐसा नहीं करना कि प्रॉफिट हो चुका है फिर भी लालच के चक्कर में फंसे रहे, ये हमारी सबसे बड़ी गलती रह सकती है। देखो दोस्तों मार्केट में यहाँ पे कोई भी एग्जिट नहीं होता, बट प्रॉफिट मेन चीज होता है, कम मिले बट प्रॉफिट मिलना चाहिए, ठीक है। डाटा अगर देखा जाए तो चार्ट में दोस्तों हाल के अंदर अपडेट आई थी ओवरबोर्ड स्थिति में, तो डेफिनेटली मैंने इसका समर्थन पहले ही कर दिया था कि ओवरबोर्ड स्थिति में लग रहा है, बट अपने लेवल पे भी टाइम सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे मैंने स्ट्रेटजी बताई कि 40% अमाउंट के साथ आप प्रॉफिट बुकिंग कर लो, चाहे 50 के साथ कर लो, चाहे 60 के साथ कर लो, ऑलमोस्ट इन तीन लेवल्स के तीन स्टेज पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। जो कि करेक्शन आता तो अगेन दोस्तों आपको इसको कहाँ तक मिल सकता है, जो सपोर्ट इसको का भी है दोस्तों मान के चलो कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 540 रुपए का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट बनता है। अगर ज्यादा प्रेशर दिखता है तो इस लेवल तक दिख सकता है, अगेन फिर यहाँ पे मूवमेंट क्रिएट कर सकता है। तो ये चीज आप ध्यान रखें, एंड कोई भी सेल बाय का रिकमेंडेशन नहीं है, एंडली एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिए, अपडेट्स आपको